जो आवाज था ना खिड़की ऐसा ऐसा हिलने का, वो बढ़ रहा था। सिर्फ परसाना एक्चुअली में कौन है? कि भला नाम है इसका तीर्थ परसाना, काम है इसका ठेके पे जाना, वहाँ से दारू लाना, गांजे को रोटी में खाना, फिर ऑनलाइन आना, बड़ी बड़ी आंखें दिखा के अपनी 12 साल की ऑडियंस को डराना, मिस्टीरियस के नाम पे कुछ भी अंटसंट अलाना फलाना, इसलिए आज इसे रोस्ट करेगा यो थारा भाई राणा। ये अभी ट्रेलर है, रिक्शा अभी बाकी है, मैं बोला है ना। ऑनलाइन बैटिंग बच्चों के लिए नहीं, सिर्फ 18 प्लस वालों के लिए होती है, तो बच्चों ऑनलाइन बैटिंग से उतना ही दूर रहें जितना तुम्हारी क्रश तुमसे रहती है। आई ओपन माय थर्ड आई। हाँ, 5 रुपए का क्रैक्स है ना जो हर कोई खोल देगा। अबे भाई अब खोल भी ले, इतना इंतजार तो आरसीबी नहीं करा रही ट्रॉफी लाने का जितना तू अपनी तीसरी आंख खोलने का करवा रहा। अबे जब तक तेरी तीसरी आंख खुलती है ना, तब तक घास के कीड़े तेरी चौथी आंख में ना घुस जाए। ओ भाई 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 भाई, मेरा मूड निकल गया यहाँ, इतना मिस्टीरियस। अबे धूम्रपान के एड में फेंके हुए तंबाकू, एडिटिंग से सिर्फ आंख लग सकती है, किताब नहीं बिक सकती। ये मिस्टीरियस कम और भूतों के साथ दारू पार्टी करने के बाद का रिएक्शन ज्यादा लग रहा है। तुमसे ना हो पाएगा। भाई ने एक बुक छापी है, छापी इसलिए कि पूरी बुक में सब इधर उधर से ही उठा रखा, बस एक लाइन इसकी अपनी है, राइटर नेम वाली। इमोशनल डैमेज। ये इस किताब को ऑनलाइन बेच रहा लेकिन कोई खरीद ही नहीं रहा, और जो खरीद रहा वो किताब पे मूतने के लिए खरीद रहा। बुक बनाई इतना ये गलत बात है यार, किताब पे नहीं मूतना चाहिए, इसमें मूतो। खैर मजाक साइड में, पर किताब में मूतना सही में गलत है यार। बचपन में गलती से किताब पे पाँव लग जाता था तो वहाँ पे काली कुत्ती तुमको और विद्या माता हमको गाने लग जाते थे, और यहाँ तो मूत रहा किताब पे। अबे तू थोड़ा सा बहन, अबे जाहिल है क्या, सिखाया नहीं स्कूल में कि किताबों की इज्जत करनी होती है? भले ही उस गलीच की है पर है तो किताब, और ऊपर से उसने उसमें भगवान से रिलेटेड भी कुछ लिखा हुआ। नहीं भाई, की किताब बिकी नहीं रही इसलिए मुझे भी दुख हो रहा। भाई गलत प्लेटफॉर्म पे बेचेगा तो ऐसी होगा ना, रद्दी वालों को बेच के देख। भाई ने मुझे इस बुक का प्रमोशन करने के लिए कुछ पैसे भेजे थे तो मुझे इसका प्रमोशन करना पड़ेगा, तो अगर कोई भी डिप्रेशन में है ना तो ये बुक जरूर पढ़े, डिप्रेशन के साथ साथ कोमा में भी चला जाएगा और कुछ हद तक जिंदगी में भी फुल स्टॉप लग सकता है। चले तू, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर्स, द बिगेस्ट एक्टर्स, ये सब अपनी लाइफ में खुश है पैसे कमा के, वो सिर्फ तुम लोगों को एंटरटेनमेंट दे रहा है, ठीक है? आई एम द ओनली फकर क्योंकि तुम लोगों को नॉलेज दे रहा है। और ये अबे गली 375 रुपए की है तेरी एक बुक, 10 भी बिक गई तो 3750 हो रहे, बीड़ी का खर्चा तो तेरा यही उठ गया, और तू पैसा ना कमा के नॉलेज दे रहा, ऐसी बचकांड बातें करके तू अपनी 10-12 साल की ऑडियंस का फुद्दू काट सकता है, हमारा नहीं। नूब, द डे आई लॉन्च दिस बुक मुझे पता है मेरी जिंदगी खतरे में आ जाएगी। सेल्फ रियलाइजेशन भी क्या चीज है नी? आई हैव सैक्रिफाइज्ड माय करियर। सैक्रिफाइस करने के लिए करियर होना भी तो चाहिए। मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। पैर पे नहीं, सर पे मारी थी, ठीक से याद कर। इतनी रियलिटी एक्सप्रेस करने के बाद अभी ऐसा डर नहीं लगा तुझे मरने का या तेरे साथ कुछ गलत होने का? जिसकी जिंदगी मौत से बदतर हो उसे मरने से क्या ही डर लगेगा। गाइस, आज मेरे फ्रेंड आर्यन का मुझे टैक्स आया, उसने मुझसे ये शर्त लगाई कि मुझे उसका सॉफ्टवेयर यूज करना होगा फॉर एविएटर गेम, और अगर इस सॉफ्टवेयर पर मैं कुछ भी पैसे हारा तो मुझे उस पैसे का 10 गुना रिटर्न देगा, और ऐसे ऑफर को मैं कैसे ही मिस कर सकता था। तो गाइस 6 राउंड की प्रेडिक्शन और मैंने 1000 लगा दिया है ऑन अ कोएफिशिएंट ऑफ 10.87, और वेट Yes, ये हुई ना बात, प्रेडिक्शन सही था और मैंने 8,510 रुपए जीत लिए हैं। यार इसको ना एक और बार ट्राई करते हैं, तो इस बार ना मैं हाई कोएफिशिएंट का वेट कर रहा हूँ जो है 8.74 का, और मैंने इस बार 7,000 रुपए रिस्क कर दिए हैं। और यस, फिर मैं वापस जीत गया, रॉकेट सच में 8.74 पे रुका। तो गाइस मैंने कुछ ही देर में अपने पैसे पे ड्रॉ कर लिए है, सिर्फ 1000 रुपए से शुरू करके मैंने 43,160 रुपीज कमा लिए हैं। अब तो आर्यन को मुझे कुछ नहीं देना। तो गाइस अगर आप भी सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहते हो तो फॉलो करो कुछ सिंपल से स्टेप्स को। आर्यन के टेलीग्राम चैनल पे जाओ, इन कमेंट और डिस्क्रिप्शन पे है, उधर टेक्स्ट मी वाला ऑप्शन पिंड होगा, उसे क्लिक करो और आर्यन को टेक्स्ट करो तुम राणा 2.0 के थ्रू आए हो, और वेट करो रिप्लाई का, लिंक कमेंट में पिंड है, स्टेप्स को फॉलो करो और सॉफ्टवेयर बिल्कुल ही फ्री में पाओ। तो फिर चलो मिलता हूँ आर्यन के टेलीग्राम चैनल पे। आई रिमेम्बर स्टैंडर्ड 6 में स्कूल में क्या हुआ था ना,
few people got infected by chickenpox. Okay. I was one of the pioneers. मेरे से start हुआ था. अबे कहीं तो ढंग के काम कर ले. स्कूल में तूने चिकन पॉक्स फैलाया, यूट्यूब पे लूसीफर के नाम का बवासीर फैला रहा. पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था क्योंकि वो जो आवाज था ना खिड़की ऐसा ऐसा हिलने का वो बढ़ रहा था फॉर सम रीजन which does not make any sense. बिल्कुल तेरी वीडियो की तरह. कभी दरवाजा हिल रहा, कभी खिड़की हिल रही. तेरे घर के खिड़की दरवाजों पे कुंडी नहीं थी क्या? खिड़की भी हिल रही है, दरवाजा भी हिल रहा है. फिर एक पॉइंट पे मैं ऐसे बैठ के देख रहा था, फिर मैं ऐसे हो गया. एक आंख से ये देख रहा हूँ, एक आंख से वो देख रहा हूँ. महंगा है क्या? एक आध किताब बिक जाएगी तो आंखों के साथ साथ दिमाग का इलाज भी करवा लियो. As I told you, I was infected with chicken pox. तो मेरे अंदर उतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं मेरी मम्मी को आवाज लगा के बुला सकूं ऊपर. फोन तो तेरे हाथ में था, कॉल कर लेता. लेकिन नहीं. इन द मॉर्निंग मंदिर में कैसे हो सकता है ये सब? जब तीर्थ नाम रख के तू राक्षसों जैसी हरकतें कर सकता है तो कुछ भी हो सकता है बेटा. और फिर एक पॉइंट पे ना लिटरली इतना एविडेंट था कि ये चीज हवा से भी नहीं हो सकती. इट वॉज लाइक दिस. यही होता है जब चिकन पॉक्स में गांजा फूंकते हैं. I could hear, I could see, it was going like this. मेरे मंदिर का दरवाजा. अबे तेरे दरवाजे की कुंडी को तेरे साथ दारू पार्टी करनी थी. तो मैं मेरे कंप्यूटर चेयर से नीचे गिरा and मैं दो हाथ से ऐसा ऐसा करके I'm crawling towards the सीढ़ी. दिखा दी ना हरकतें. अबे तुझे चिकन पॉक्स और कथा. पैर नहीं टूट रखे थे जो तू हाथों से चल रहा था. पर नहीं, लोगों का पागल बनाने का पहला फैक्टर तो इमोशनल से ही शुरू होता है. एंड लकीली माय मॉम काइंड ऑफ हर्ड द नॉइज ऑफ मी फॉलिंग डाउन एंड शी रश्ड अपस्टेयर्स एंड शी गॉट मी. एंड मुझे बोला कि क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या? उसी दिन आंटी अंकल की बेल्ट दिखा देती तो तू आज रोस्ट नहीं हो रहा होता. This is the first time you're talking about that whole situation. Yeah, I never shared this story. Oh my god, bro. Anywhere or with. ये दूसरा अलग नशे में. Oh my god, bro. खुश तो ऐसे हो रहा जैसे करोड़ों का खजाना लग गया होगा इसके हाथ. अबे साले इससे इंटरेस्टिंग कहानी तो आंगनबाड़ी वाले सुना लेते हैं, पर होती वो भी इसकी स्टोरी की तरह फेंकी है. इसके मैंने दो चार गाने सुने. गाने इतने अच्छे थे कि मुझे ढिंचक पूजा के कमेंट में लिखना पड़ा कि तुम अकेली नहीं हो. लूसिफर इनोसेंट, ये रेड पिल क्या है और तीर्थ परसाना एक्चुअली में कौन है? तीर्थ परसाना वो है जिसको आजकल की मम्मिया अपने बच्चों को दिखा के बोलती है कि इंजीनियरिंग करके घर पे बैठ जाना, पर ऐसा नहीं बनना. तीर्थ परसाना वो है जिसका पोस्टर ठेके के बाहर लगाया जाता है ताकि शराबियों को भी पता चले कि थोड़ा बहुत तो चलती है, पर इतनी भी नहीं जो नशे के आखिरी स्टेज पे पहुंच जाए. तीर्थ परसाना वो है जिसकी वीडियो देख के लोगों को नींद की दवाई नहीं खानी पड़ती. तीर्थ परसाना एक्चुअली में कौन है? आज अर्जुन कपूर से भी गंदी एक्टिंग देख ली. इसको लग रहा है ऐसी हरकतें करके ये मिस्टीरियस जेड सिग्मा लग रहा. अबे गलत फहमी जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना ही बढ़िया है. मुझे लगता है कि कोई एक वर्ड मुझे डिस्क्राइब नहीं कर सकता. हाँ सही बात है, क्योंकि तेरी हरकतों पे तो पूरी एनसीईआरटी की बुक छप सकती है. मैंने चालू किया व्लॉगिंग से व्हेन आई वाज 14 इयर्स ओल्ड. फिर मैंने मीम्स बनाना चालू किया. फिर मैंने म्यूजिक बनाना चालू किया और सक्सेस कहीं भी नहीं मिली, इसलिए गरारा करके भारी आवाज में बोल के मिस्टीरियस बनना पड़ा. तब जाके कहीं नेगेटिव ही सही, पर फेम तो मिली. बट देयर यू गो, आई एम अ गुजराती. गुजरातियों के घर में तो बिजनेसमैन पैदा होते हैं, ये बिजनेस वुमेन कहां से पैदा हो गई? एक आपकी इंस्टाग्राम पे टैगलाइन है लूसिफर वाज इनोसेंट और किताब भी आई है जो कि बहुत अच्छा रिस्पांस आया. इंडिया में पागल हो गए हैं लोग. ऐसी किताब बनाएगा तो पागल ही होंगे ना. मैंने आज तक एक किताब नहीं पढ़ी अपनी पूरी जिंदगी में. इमेजिन मी लॉन्चिंग अ बुक और केवल 17 दिन के अंदर आई बिकम इंडियाज नंबर वन बेस्ट सेलिंग ऑथर. ओलंपिक में भी अगर बड़ी बड़ी फेंकनी होती ना तो इंडिया के पास एक गोल्ड होता. फिर एक गुजराती बॉर्न लड़के की जिंदगी में कहां से आया जो एक राजकोट के शहर से आता है? तो हमें जाना पड़ेगा बैक व्हेन आई वाज अ किड. भाई तू अभी भी किड ही है, बस फर्क इतना है कि पहले तू दुकान से लेके लॉलीपॉप खाता था और अब लूसिफर से. एक चीज दिमाग में लेके घुसा था कि मैं 1,00,000 फॉलोअर लेके तो घुसूंगा. बट अच्छा, तब तक यू वर अ कंटेंट क्रिएटर ऑलरेडी. आई वाज फेमस बट मेरा अकाउंट जा चुका था एंड टाइम पे.
थर्ड बार मेरा 1 लाख पे अकाउंट गया था। उतनी बारी तो मुझे लॉन्डे ने रिजेक्ट नहीं किया जितनी बारी इस बकलैंडी को इंस्टाग्राम ने रिजेक्ट कर दिया। गजब बेइज्जती है। खैर इंस्टाग्राम से याद आया कि इस छपरी को रोस्ट करने की जिन्होंने शुरुआत की थी ना उनको इसने ब्रूटल रिप्लाई दिया है कि तो चलो फिर हम भी ब्रूटल ही रिप्लाई देते हैं। और भाई थाने के गजनी दिखा दिया तूने अपना स्टैंडर्ड। हगेश की बात कर रहा हूँ मैं। हगेश को हगेश बोल देता हूँ कॉमेडी हो जाएगी। कॉमेडी तो अंकल और आंटी के साथ हुई थी जिस दिन तू पैदा हुआ। याद आया हगेश यू मेड एन एंटायर रोस्ट वीडियो ऑन मी। और क्यों नहीं बनाएगा ब्रो क्यों नहीं बनाएगा। जब तूने नोटिस किया कि राजस्थान के बारटेंडर क्रेजी दीप के ठप चैनल पे मेरा नाम लेते ही व्यूज आ रहे हैं। वो फेल्ड यूट्यूबर कौन है संडरे भी 7 साल से बेचारा मेहनत कर रहा है अभी तक सिर्फ 2 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच पाया। बोल भी कौन रहा जिसके लगभग 2 लाख फॉलोअर्स पे बस 606 लोग लाइव आ रखे और उनमें से भी 6 लोग इसके परिवार के हैं बाकी सब गाली देने आ रखे। जब ये दोनों के ठप चैनल पे मेरा नाम डालते ही व्यूज की बारिश हो रही है तो वही नाम डाल के तेरे चैनल पे क्यों नहीं हो रही व्यूज की बारिश। पर 5 मिलियन होने के बावजूद भी व्यूज का ग्राफ देख अपना। चल टेंशन मत ले यार खुद को सेल्फ रोस्ट कर दे बढ़ जाएगी रीच। और फिर भी नहीं बढ़ेगी ना तो लूसीफर के साथ दारू पार्टी करने वाली रील डाल दियो हर मीम पेज पे तू होगा। जस्ट रिमाइंडर कि तुम आर्यन के यूनिक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का मौका मिस ना करो। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है। आर्यन को टेक्स्ट करो कि तुम राणा 2.0 के थ्रू आए हो। मैं ऑलरेडी दिखाया मैंने 40,000 कैसे कमाए हैं। सो जल्दी से जाओ। इसको अंदर से डर लग रहा होगा सब रोस्टरों ने इसे रोस्ट कर दिया अब कहीं इसकी ऑडियंस इसे अनसब्सक्राइब ना कर दे। अबे नहीं करेगी क्योंकि तेरी ऑडियंस रोस्ट वीडियो नहीं देखती डायपर कैसे चेंज करे ये देखती है। फिर आखिर में यही कहूंगा कि क्या रखा है लूसीफर उसीफर में अभी भी टाइम है अपने पुराने कंटेंट पे दोबारा शिफ्ट हो जा। भाई साहब क्या गाड़ी है फटफट एक सेल्फी ले लेता हूँ। छोड़ यार तू ज्यादा ही खतरनाक कॉमेडी कर देता है। तू करते रहे जो कर रहा है और तुम भी करो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो का बेस्ट पार्ट कमेंट में जरूर बताना।